सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आजमगढ़ में उपचुनाव जीतने के बाद लखनऊ पहुंचे आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये हमारी पार्टी और संगठन की जीत है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आजमगढ़ में जीतने के बाद दिनेश लाल यादव जी आज लखनऊ में पहुंचे हैं। सर, आजमगढ़ आपने जीत लिया, चुनाव से पहले सब कह रहे थे कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने सारी बातों को झुटला दिया, आपने जीत हासिल की, क्या कहें? मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की जो सरकार है उसके कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हुई है। जनता तक लाभ पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं जनता को ये पता चल चुका है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ था वो पिछड़ा हुआ था, और अगर उस गढ़ को भी तरक्की देना है, विकास के रास्ते पे लेके चलना है, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जनता ने ये फैसला लिया है। विपक्ष अभी भी हार नहीं मान रहा, वो कह रहा है अगर मायावती का साथ आपको नहीं मिलता तो आप नहीं जीत पाते। उनको बताइए कि वो पिछली बार मायावती जी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ते तो पिछली बार ही हार जाते, ये बताइए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत अहम लड़ाई हमने लड़ी और बहुत अहम जो जीत है वो हमने हासिल की है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। तो सीधे तौर पर निरहुआ ने इस जीत को संगठन की जीत बताया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं को श्रेय दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।